नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्याज और शिमला मिर्च की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे और बहुत ही कम टाइम में बहुत क्रीमी सब्जी बनेगी ये, और इसे आप नान के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो आप देखिए, इसके लिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर गर्म कर लीजिए, और ये मैंने इस तरह से प्याज को 4 पीसेस में काटा है। ये 6-7 प्याज लिए हैं मैंने, तो आप चाहें तो छोटे प्याज कर सकते हैं अगर आपको छोटे पसंद हो तो। तो इस तरह से तेल गर्म होने पर हम प्याज उसमें डाल देंगे, और ये सारी परतें इसके थोड़ी देर फ्राई होने में ही खुल जाएंगी। देखिए, सब अलग हो गया, और 5 मिनट हमें इसे फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, यहाँ मैंने 2 शिमला मिर्च ली है छोटी, आप ज़्यादा डाल सकते हैं शिमला मिर्च, और इसे हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करना है वही मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी कुक हो जाती है। तो इसे आप पहले ही निकाल लें, और आप चाहें तो ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से प्याज और शिमला मिर्च को आपको फ्राई करके अलग रख लेना है। तो देखिए, अब 2 से 3 चम्मच मैंने दही लिया है, यहाँ खट्टा दही नहीं लें आप, ताज़ा दही लें। इसमें थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, और इन्हें आप अच्छे से मिला लें, और ये पेस्ट तैयार कर लें एक। और जो तेल हमने प्याज तलने के लिए लिया था, उसी से बचा हुआ तेल है, उसे में हम सब्जी बनाएंगे। तो तेल गर्म है, जीरा डालिए यहाँ पर, और ये जो पेस्ट तैयार किया है दही और मसालों का, इसको हम इसमें डाल देंगे, और सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये ऑयल छोड़ देगा। तो देखिए, इस तरह से कुक हो गया है। अब ये मैंने 2 टमाटर की प्यूरी ली है, मिक्सी में पीस लिया है इसे, और इसे भी डालकर अब इसे हम तेल छोड़ने तक कुक कर लेंगे। तो देखिए, 4 से 5 मिनट में ये मसाला पक जाएगा, और अभी जो प्याज और शिमला मिर्च हमने फ्राई किए थे, इसमें डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और ये घर की फ्रेश मलाई है, 2 चम्मच आप ये डालिए, या अमूल क्रीम डाल सकते हैं आप, कसूरी मेथी डालेंगे, और गरम मसाला डालेंगे, और बहुत थोड़ा सा पानी। अब इसे हम एक उबाल आने देंगे, और देखिए कितनी फटाफट ये बहुत ही टेस्टी और क्रीमी सब्जी तैयार हो गई है। तो आप चाहे तो इसे थोड़ी गाढ़ी कर सकते हैं और पतली कर सकते हैं, पर ये इसी तरह से अच्छी लगेगी। नान या रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो देखिए कितनी टेस्टी सब्जी हमारी ये दिख रही है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।